मुलायम सिंह यादव ने संसद में बुधवार को जो चरखा दाव चला है उससे जहां समाजवादी पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है, वहीं इससे गठबंधन का प्रधानमंत्री पद को लेकर दावा भी कमजोर हुआ है। मुलायम सिंह यादव ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ कहा उसके बारे में अब समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई तर्क नहीं है जिससे वो मोदी विरोधी लोगों को संतुष्ट कर सके। बहुत सारे लीडर्स परिस्थितियों और समय के हिसाब से तत्कालिक हिसाब से बात बोलते हैं। नेताजी ने आज की विदाई समारोह में जो एक संस्कार है, अपना शिष्टाचार है, उसका निर्वहन किया है। उसमें बहुत लंबी राजनीति अगर लोग देखना चाहते हैं तो नेताजी के पूरे दिन के आज के बयान देखें, पूरे सत्र के बयान देखें, किन किन क्या क्या मुद्दे उन्होंने उठाए, क्या क्या बात उन्होंने उठाई, कैसे कैसे उपचुनाव में हारे तब नेताजी ने बोला, सब चीज़ देखें ना। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब तारीफ की तो पार्टी को ये कहना ही पड़ा कि ये तो संसदीय शिष्टाचार है, लेकिन दरअसल मुलायम सिंह यादव ने एक चरखा दांव मारा है जिससे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में तीसरे मोर्चे या महागठबंधन से प्रधानमंत्री पद के दावेदारों का नाम ही खारिज कर दिया है। लखनऊ से अखिलेश तिवारी, ईटीवी भारत के लिए।